झारखंड राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सदस्य चंद्रगुप्त सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि राज्य के लोगों को राज्य में रोजगार दें ताकि लोगों को बाहर रोजगार करने जाना नहीं पड़े। झारखंड राज्य के 21वां स्थापना दिवस के मौके पर आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव चंद्रगुप्त सिंह ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं दी और राज्य के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राज्य में बेरोजगारी को दूर जल्द से जल्द करें और युवाओं को रोजगार से जोड़ें ताकि दूसरे राज्य में जाकर रोजगार नहीं करना पड़े। वहीं धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उन्हें शत शत नमन किया। स्थापना दिवस पर हम यही कहना चाहेंगे जो हमारे अभी वर्तमान में हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, जो विकास होनी चाहिए, आज 21वां वर्ष हो गया लेकिन झारखंड राज्य के जो विकास होनी चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री राज्य में आपको इंडस्ट्रीज है लेकिन यहाँ की जनताओं को, जो जनताएं गरीब दुखिया है, किसान है, मजदूर है, उन लोगों को कल्याण नहीं हो पा रहा। यहाँ के हमारे बच्चे, यहाँ की हमारे महिलाएं, वो बाहर राज्य में जा करके, बाहर देशों में जा करके अपना पेट पाल रही है। चूंकि यहाँ पर व्यवस्था उसकी उचित नहीं है, व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ की गरीबों को, असहायों दुखियों को कल्याण करें और यहाँ की गरीबी को मिटाएं। चूंकि राज्य से, ये झारखंड राज्य से केंद्र सरकार को 70,000 करोड़ रुपया इस राज्य से जाता है, तो 70,000 करोड़ के अनुसार इस राज्य की बच्चों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के गरीब दुखिया असहायों को कल्याण होनी चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहा। इसलिए मैं बार बार आग्रह करूँगा। साथ ही आज राज्य की स्थापना दिवस है, साथ साथ हमारे इस राज्य की धरोहर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। इस जयंती के अवसर पर मैं सारे झारखंड वासियों को मैं शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से, यही सारी देवी देवताओं से, साबो सारे आपको कम के नेताओं, भगवान को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सारे को कल्याण हो सके, उनकी उन्नति प्रगति हो सके। इसीलिए सारी देवी देवताओं से मैं आग्रह करता हूँ कि हे भगवान, हे देवी, यहाँ की झारखंड राज्य की जनताओं को, असहायों को, दुखियों को, मजदूरों को, किसानों को कल्याण हो सके और यहाँ की संचालकों को शक्ति प्रदान हो सके, ताकि वे शक्तिवान, बलवान, बुद्धिजीवी, विवेकशील बने, ताकि यहाँ की जनताओं को कल्याण हो सके। ये राज्य खनिज संपदा से भरा पूरा, जो इस राज्य से केंद्र सरकार को 70,000 करोड़ रुपया जाती है, उसके अनुसार यहाँ की युवाओं को, यहाँ की माताओं बहनों को कल्याण होनी चाहिए, उनकी उन्नति प्रगति होना चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्री यहाँ पर आए, यहाँ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए। इस राज्य से बाहर पढ़ने हमारे बच्चे जो है, बच्चे और बच्चियाँ जाती है, उन लोग को पूरा ध्यान नहीं रह पाता है, उसका कल्याण नहीं हो पाता है। इसलिए बार बार हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, यहाँ की महिलाओं पर ध्यान दें। हमारी महिलाएं बाहर देश में जाती है, उसके साथ आपको सही रूप से व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता है, ऐसा नहीं हो, इसलिए इसको सुधार करें।